नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट 100 खबरों का। उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। कहा, हम कुछ ऐसे कोर्सेज का एनालिसिस करें जिनसे नौकरी मिले, जितना हो सके बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, बच्चों को रोजगार दिलाया जाए। एग्रीकल्चर कॉलेजेस के लिए सीएम के निर्देश। कहा, एग्रीकल्चर कॉलेज की खाली भूमि पर प्राकृतिक खेती करवाएं। सीएम ने कॉलेजेस में थर्ड पार्टी पर दिया जोर। हर विभाग में थर्ड पार्टी का पूरा एक सिस्टम बनाया जो हमारी कमियों के बारे में हमें निष्पक्ष रूप से जानकारी दे। सीएम ने कहा कि वर्चुअल या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में मध्य प्रदेश को मॉडल बनाया जाए, रोचक तरीके से शिक्षा देने में विशेषज्ञता हासिल करें। सीएम ने निर्देश दिया और कहा कि पुराने छात्र छात्राओं को कॉलेज से जोड़ा जाए, वो जिस पद पर है उससे वो कॉलेज के लिए क्या अच्छा कर सकते। दिग्विजय सिंह ने इंदौर में कहा कि वर्ष 2025-26 तक हिंदू आबादी, 2028-29 तक मुस्लिम आबादी स्टेबल हो जाएगी। भोपाल में पीएम की सुरक्षा में चूक के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदेश भर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने किया मौन धरना। अंबेडकर प्रतिमा के सामने दिया गया धरना। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी की सुरक्षा में से इसके मामले में जांच के लिए केंद्र सरकार की गठित समिति को भंग कर दिया। पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र की जांच समिति की निष्पक्षता पर संदेह उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब दौरे में हुई चूक पर बनाई स्वतंत्र जांच समिति, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। कहा, कोर्ट में मामला होने के बावजूद क्यों भेजा नोटिस। भोपाल में आज से एमपी में वैक्सीनेशन का नया दौर। फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही है प्रिकॉशन डोज। जिला सहकारी संस्था बालोद संचालक मंडल में निर्वाचन प्रक्रिया बीते माह 17 तारीख से शुरू हुई। नामांकन प्रक्रिया में धांधली की आशंका। धांधली की आशंका के चलते सेवा सहकारी समिति सोरर के प्रतिनिधि हेमकांत गोस्वामी सहित दो अन्य लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। हेमकांत गोस्वामी ने निर्वाचन में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए पूर्व जिला सहकारी संघ अध्यक्ष झुनमुन पर लाखों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। विदिशा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लटेरी में पुलिस ने अवैध तलवारों का जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान तलवारों का यह जखीरा पकड़ा गया। वहीं दो आरोपियों के पास से बरामद की गई बड़ी मात्रा में तलवारें, दोनों ही आरोपी राजस्थान के अटरू के रहने वाले हैं, जो राजस्थान से तलवार लाकर विदिशा में खपाने की तैयारी में थे। दमोह में राय तिराहा स्थित राय परिवार के मुखिया शंकर राय और उनके भाइयों के यहां इनकम टैक्स ने छापेमारी करी, जिसको लेकर राय परिवार के प्रमुख शंकर राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि उन्हें 10 साल से इनकम टैक्स रेट का इंतजार था और आज वो दिन आया है और मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि मैं आज 14 साल का चुका हूं, 24 साल की उम्र से इनकम टैक्स भर रही हूं। जो भी कैश और ज्वेलरी मिली है वो सब लीगल है। उनके पास कृषि पंप टावर और अन्य माध्यमों से जो भी पैसा आता है वो उनका रिटर्न भरते हैं। ये भी कहा कि आज रेट के बाद उनका टेंशन खत्म हो गया है।
उन्होंने ये भी कहा कि उनके यहाँ करीब 3.5 किलो सोने के जेवर निकले हैं, जिनमें से केवल 1.25 किलो सोने के जेवर टीम अपने साथ ले गई है, वो भी उन्हें वापस मिल जाएंगे। पखांजरों में नक्सली बनकर चोरों ने ग्रामीण के घर पर धावा बोला। शक होने पर ग्रामीणों ने नक्सलियों को पकड़ा और बंदूक, कारतूस, चाकू, हसिया और अन्य वस्तुएं जब्त की। देर रात सूचना के बाद भी नहीं पहुंची कोडे कुर्सी पुलिस। सुबह ग्रामीणों ने चोरों को किया पुलिस के हवाले। कोडे कुर्सी थाना क्षेत्र के गुर्दा टोला गांव की घटना। शहडोल में जिले में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, शीतलहर की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। ठंड के कारण ज्यादातर लोग घरों के अंदर ही रहने के लिए मजबूर हैं। जिले में दो दिन से लगातार बारिश होने के बाद से घना कोहरा छाया रहा। महिलाओं पर थूकते हुए जावेद हबीब के वीडियो वायरल होने के बाद से हिंदू संगठनों का विरोध लगातार जारी है। जावेद हबीब का जगह जगह विरोध किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय पर हिंदू राष्ट्र संगठन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता राजेश शिरोडकर ने लगाए शौचालय में पोस्टर। महिलाओं से पोस्टर पर थूकने की कार्यकर्ताओं ने की अपील। मालाघाट में उत्कृष्ट स्कूल के मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता खेली गई। 9 जनवरी को फाइनल मैच के साथ प्रतियोगिता का समापन किया गया। प्रतियोगिता में सागर और आरसीसी भोपाल के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। सागर को हराकर भोपाल ने राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। उमरिया में निर्माणाधीन सड़क नेशनल हाईवे 43 पर लगा 9 किलोमीटर का लंबा जाम। लगातार बारिश से घुनघुटी रेलवे स्टेशन से चंद किलोमीटर की दूरी पर लोग फंसे रहे। कटनी में घने कोहरे के आगोश में डूबा शहर। कोहरे के साथ पड़ रही कड़कड़ाती ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बच्चों को वैक्सीनेशन पर बोले विश्वास सारंग। कहा प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। प्रिकॉशन डोज के लिए हमारी है तैयारी। सारंग के बयान ने जताई उम्मीद। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड मरीजों का केवल 6% मरीज ही अस्पताल में भर्ती है। 1% से भी कम मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। मुरैना में अनियंत्रित रेत वाहन ने रास्ते में चलने वाली 3 महिलाओं को मारी टक्कर। एक महिला की घटनास्थल पर हुई मौत। मुरैना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया अभियान। लग्जरी कार में 1 क्विंटल 12 किलो अफीम बरामद। इसकी कीमत 5,60,000 रुपए बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले में बीजेपी ने बनाई मानव श्रृंखला। मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। हीरो की चोरी करने वाले दुष्यात चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। दोनों ही आरोपी हीरे सस्ते दामों पर बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पकड़े गए आरोपियों से कुल 55 हीरे बरामद किए गए। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बलरामपुर जिले के सरहदी इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की मौके पर जांच की जा रही है।
महासमुंद जिले की कोमा खान पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 700 किलो का गांजा जब्त किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 1,40,00,000 के पार। भाटापारा बलौद बाजार मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। टीईटी परीक्षा देने के लिए छात्र जा रहे थे, हादसे में 7 छात्र घायल हुए, 1 छात्र की मौत हुई है। कटनी जिले के धरवारा गांव के रहने वाले एक 16 वर्ष के लड़के का शव मिला है और शव मिलने से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। सतना में बिड़नियों के नाच के दौरान यह हादसा हुआ, विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक व्यक्ति की हत्या की गई। परिजनों ने कहा कि गोली मारकर व्यक्ति की हत्या की गई है। बालौदा बाजार में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती प्रेग्नेंट हो गई। लड़की ने युवक पर शादी करने का दबाव डाला तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीजापुर में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या की। मुखबरी का आरोप लगाकर यह हत्या की गई। 7 जनवरी को जन अदालत लगाकर बेचलर गांव में यह हत्या की गई। मध्यप्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रीवा सागर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर चंबा संभाग भोपाल में कोहरे की संभावना। रिलियंसिया में सर्द मौसम के बीच हो रही बारिश से कुछ इलाकों में जल जमाव होना शुरू हो गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइट कैंसिल की गई है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 179,723 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 146 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना के 7,00,000 से ज्यादा मामले एक्टिव है। देश के अंदर 179,000 से ज्यादा केस। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,317 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में इंदौर में कोरोना के 645, भोपाल में 489 नए मामले दर्ज किए गए। 7 बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए। 27 बच्चे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,040 नए मरीज। इसके साथ ही अब एक्टिव केस बढ़कर हो गए हैं 6,849। तो वहीं भोपाल में 36 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ग्वालियर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे पुलिस बेस स्टेशन पर कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन कराने की तैयारी में जुटी हुई है। जीआरपी ने मुख्यालय से आदेश आने के बाद रेलवे स्टेशन परिसर पर बिना मास्क के यात्रियों को मास्क लगाने की हिदायत दी और बिना मास्क के लोगों के चालान भी काटे। जीआरपी की ओर से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने की कार्रवाई का पहला दिन था और पहले दिन जीआरपी ने कुल 18 चालान काटे।
भोपाल में होम क्वारंटीन के लिए कमांड कॉल सेंटर शुरू किया गया। 136 डॉक्टर से घर बैठे इस कॉल के जरिए एडवाइस ले सकते हैं। और हमारी लिस्ट में दिए गए नंबर पर करें कॉल, 750 रुपए देनी होगी फीस। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सीएम चन्नी का बयान आया सामने। कहा, मैं अपने लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करूंगा, हम प्यार से लोगों को हटाते हैं। बीते दो महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम में स्थिरता बरकरार, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अहमदाबाद और लखनऊ को मिली नई डेडलाइन, 31 जनवरी तक बताने होंगे 3-3 खिलाड़ियों के नाम। ब्राजील के मिनस गेरेस में शनिवार को हुआ बड़ा हादसा, झील में कुछ बोट्स पर गिरी एक भारी चट्टान, हादसे में 7 लोगों की मौत। भारतीय सीमा में 11 किलोमीटर तक घुसे 10 पाकिस्तानी, जलसेना ने बीती रात अरब सागर में उनकी नाव के साथ किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद खुलेंगे मंसूबे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का आखिरी मिरर भी खुल गया है और इसी के साथ टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तैनात हो गया है। ये टेलीस्कोप फूल की आकृति का है और सोने से बना हुआ है। टेलीस्कोप के संचालन में यह अंतिम बड़ी बाधा थी, लेकिन अब यह समस्या सुलझ गई है। एक्टर यश की KGF चैप्टर 2 पोस्टपोन नहीं होगी। उन्होंने अपने बर्थडे पर नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें यश का बेहद कूल अंदाज देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आने वाला 3-4 दिन ठिठुरन भरे रहने वाले हैं। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली NCR में ठंड बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में भी मौसम में खासा बदलाव देखा जा रहा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 53 दर्ज किया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मंगलवार से केप टाउन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पॉपुलर डांस रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 2 में पुणे की सौम्या कांबले को सीजन का विजेता घोषित किया गया। सौम्या को 15 लाख रुपए का चेक और स्विफ्ट का गिफ्ट मिले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में 2 आतंकियों को ठीक किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, पूरे इलाके को सील किया गया है। पिछले 9 दिन में 13 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं।